नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगाश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, कहना चाहेंगे कि सामान्य रूप से हर आदमी उससे परेशान रहता है कि हम हमेशा बीमार क्यों होते हैं, या हमें कोई बीमारी आती है तो उसका क्या कारण होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति बीमार चार कारणों की वजह से होता है, और वह व्यक्ति जितना ही उन कारणों को अपने से दूर रखेगा उतना ही वह बीमारियों से बचा रहेगा। इसमें पहला कारण है भोजन। 25% बीमारियां गलत भोजन लेने की वजह से होती हैं, जैसे जरूरत से ज़्यादा भोजन करना, भोजन में स्वादिष्ट चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना, तला हुआ पदार्थ का सेवन अधिक करना, अपने भोजन में मिर्च मसालों का उपयोग अधिक करना, अपने भोजन में सलाद फल हरी सब्जी का उपयोग कम करना, बासी भोजन करना, भोजन को चबा चबा कर न खाना यानी जल्दी जल्दी भोजन करना, भोजन के तुरंत बाद अत्यधिक पानी पीना, भोजन के साथ ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करना, ये कारण होते हैं। कम से कम 25% बीमारियां इन भोजन की वजह से आ जाती हैं। दूसरा कारण है व्यायाम। शरीर की 25% बीमारियां शरीर में हलचल न होने की वजह से होती हैं, जैसे कि अत्यधिक मानसिक श्रम करना लेकिन शारीरिक श्रम बिल्कुल भी नहीं करना, एक ही जगह पर बैठे बैठे 8-10 घंटे काम करना, रोज टहलने न जाना, इन सब कारणों की वजह से शरीर में हलचल नहीं होती, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट नहीं हो पाता, तेज नहीं हो पाता, इसकी वजह से बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब तीसरा कारण है भावना। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। 25% बीमारियों का संबंध व्यक्ति की भावनाओं से ही जुड़ा होता है, जैसे कि स्वस्थ शरीर हमारे अच्छे विचारों पर निर्भर रहता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, अहंकार, भय जैसे नकारात्मक विचार हमारे शरीर में तनाव पैदा करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच शरीर को नुकसान पहुंचाती है। शरीर में नकारात्मक सोच की वजह से मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा व्यक्ति भावना के वशीभूत होकर आत्महत्या तक कर लेता है। अब चौथा कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। इनकी वजह से भी 25% बीमारियां व्यक्ति के शरीर में आ जाती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, वंशानुगत रोग यानी माता पिता से मिली हुई बीमारियाँ, अनजाने रोग, अचानक होने वाले हादसे या दुर्घटनाएं, कुछ अनिवार्य घटनाएं जिसे रोका नहीं जा सकता, इन पर किसी का वश नहीं चलता, इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करना ही चाहिए, तभी आनंद के साथ हम रह सकते हैं। इस तरह से हम भोजन, व्यायाम और भावनाओं पर अगर नियंत्रण कर लें तो अधिकतर रोगों की रोकथाम स्वतः ही हो जाएगी, अपने आप ही बीमारियाँ रुक जाएंगी। इस तरह से अगर आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।